जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के सेजन जंगल में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच एक बार फिर मुठभेड़ हुई है। सेना, पुलिस और सीआरपीएफ ने एक दिन पहले ही सेना के काफिले पर हुए हमले में शामिल आतंकवादियों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान शुरू किया था। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि सेजन वन क्षेत्र में एक तरफ किश्तवाड़ जिले और दूसरी तरफ अनंतनाग की सीमा से लगा हुआ क्षेत्र है। माना जा रहा है कि 2 से 3 आतंकवादी यहां छिपे हुए हैं। सोमवार दोपहर कठुआ जिले में आतंकवादियों ने सेना के 2 ट्रकों के काफिले पर घात लगाकर हमला किया था। इस हमले में सेना के 5 जवान शहीद हो और 5 लोग घायल हुए थे। सूत्रों ने बताया कि सुरक्षा बल बदनोता इलाके में घने जंगलों में आतंकवादियों का पता लगाने के लिए तलाशी अभियान चला रहे हैं। कठुआ के बदनोता गांव जहां सोमवार को हमला हुआ था और सेजन जंगल के बीच की दूरी लगभग 168 किलोमीटर है। कठुआ में तलाशी अभियान चला रहे जवानों को हेलीकॉप्टर और ड्रोन से निगरानी में मदद मिल रही है। सेना ने इलाके में पैरा कमांडो को भी उतारा है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपना स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप भी तैनात किया जो कि मुख्य रूप से आतंकवाद विरोधी अभियानों को अंजाम देता है। हालांकि अधिकारियों ने बताया कि घात लगाने के तुरंत बाद भागे आतंकवादी फरार हैं। सुरक्षा बलों का मानना है कि सोमवार शाम को घने कोहरे और भारी बारिश होने और इसे देखते हुए आतंकवादी दूर नहीं जा सकते थे। तलाशी दलों ने जंगलों की परिधि में बने अलग अलग घरों को खंगालना शुरू कर दिया। करीब आधा दर्जन लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया गया। सूत्रों ने बताया कि आतंकवादियों ने सैनिकों और राशन ले जा रहे सेना के 2 वाहनों पर एक साथ हमला किया था। आतंकियों ने पहले ग्रेनेड फेंके और फिर स्वचालित असॉल्ट राइफल से गोलियां चलाई। माछड़ी की तरफ से आए दोनों ट्रक लोहाई मल्हार जा रहे थे और उस समय एक नाले पर बने एक छोटे से पुल पर थे।